Oh, Nicho. आप आओगे? चल आज एक सेकेंड. पैर ऐसे क्रॉस हो जाते हैं जी. थोड़ा सा चलेंगे, वहां तक चलेंगे. राशिद की उम्र है 30 साल और पिछले 3 साल से एवीएन से परेशान है. एंड यू कैन सी कि एक 30 साल का बच्चा वॉकर से चल रहा है. विदाउट सपोर्ट चलना बहुत मुश्किल है. हाँ आज चलो. नहीं और सीढ़ी चढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं. और जमीन पे बैठ पाते हो? तो टॉयलेट में कैसे बैठते हो? वेस्टर्न टॉयलेट. वेस्टर्न टॉयलेट. तो राशिद हमारे पास हैं ख्याला दिल्ली से और पिछले 3 साल से इनको एवीएन की दिक्कत है और कंडीशन देख सकते हैं कि चलना फिरना भी मुश्किल है. विदाउट वॉकर नहीं चल सकते हैं. मसल वेस्टिंग है, ऑस्टियोपोरोसिस है. ऐसे पैर क्रॉस हो जाते हैं जी. चलिए ऐसे जी, बस इतने खुलते हैं. पैर सीधा करो. ओके 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 ओके. किस में ज़्यादा पेन है? दोनों. एक बार मूवमेंट करके देखें जी. घुटना मोड़िए धीरे धीरे. रिलैक्स रिलैक्स. पेन हो रहा है? बिल्कुल रोटेशन नहीं है. और ये देखिए, सॉरी 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 सॉरी. इसको कितना मोड़ सकते हैं? बस. तो एक तरह से लेग्स इतनी वो हैं कि आप मतलब आमतौर पे इसको ऐसे रखते हो जी. ऐसे आराम मिलता है. सो वी आर प्लानिंग बोथ हिप रिप्लेसमेंट विद MIS टेक्निक. जो तकलीफ़ है हमें उम्मीद है कि कुछ ही हफ्तों में इससे निजात मिल जाएगी. ठीक. आपसे पहले मुलाकात नहीं हुई शायद? नहीं, नहीं? कोई सवाल पूछना चाहते हैं ऑपरेशन के बारे में? बस सर. रोना नहीं, रोना नहीं, इमोशनल नहीं हो. ठीक हो जाएंगे बिल्कुल. अच्छा, हमारे ऊपर भरोसा है? तभी तो आए सर. बस फिर रोना नहीं. ठीक है, यहाँ आके रोना ख़त्म, तकलीफ ख़त्म. ठीक है, ठीक करके भेजेंगे. चल के जाएगा अपना कुछ बढ़िया से. ठीक है, चलो. हमारे पे कम हो सकता है, ऊपर वाले पे तो भरोसा है. बस जब अंदर होंगे तो बस आपने प्रे करना है कि बिल्कुल ठीक ठाक हो काम सारा. ठीक है राशिद, चलो. ये राशिद का एक्सरे हम देख रहे हैं सर्जरी से पहले. तो इसमें आप देखेंगे कि एवीएन की वजह से जो पूरा हेड है, जो बॉल है जिसको फीमोरल हेड कहते हैं, पूरा डैमेज्ड है. इवन एसिटेबुलम में भी चेंजेस आ गए हैं दोनों तरफ. इसी को कहते हैं हम स्टेज 4 ऑफ एवीएन. इसकी वजह से पेशेंट को तकलीफ है, लेग्स खुलती नहीं है, मूवमेंट्स बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं. और ये है सर्जरी के बाद का एक्सरे. इसमें आप देखेंगे हमने नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ किए हैं दोनों तरफ. हालांकि हमें स्क्रू यूज़ करने पड़े बिकॉज बोन थोड़ी सॉफ्ट थी, ऑस्टियोपोरोटिक थी, बिकॉज ज़्यादा चल नहीं रहे थे. बट नाउ आफ्टर 3 मंथ्स पूरा इंटीग्रेट हो गया है बोन के साथ. कैल्शियम पूरा आ गया है बोन के ऊपर. एंड इट्स नाउ ए वेल फिटिंग, वेल बैलेंस्ड पेल्विस. और इसमें सालों साल तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली बिकॉज दिस इज MIS.
तो राशिद हमारे पास हैं सर्जरी के 3 महीने के बाद। पहले लेग्स इनकी बिल्कुल खुलती नहीं थी, रादर क्रॉस करती थी, और अब हम देखते हैं तो आप देखिए पूरा लेग्स जैसे एक नॉर्मल 30 साल के इंसान में खुलनी चाहिए, ऑलमोस्ट 30 डिग्री ऑन बोथ साइड्स। और अगर मूवमेंट्स देखें तो बहुत अच्छी मूवमेंट है, फ्लेक्शन अच्छा है, रोटेशंस बिल्कुल फ्री हैं बोथ साइड्स, एंड ही इज़ टोटली पेन फ्री। पहले ज़रा सा भी पैर हिलाते थे तो इनको दर्द होता था, एंड नाउ यू कैन सी कि जो स्ट्रेंथ है, जो मसल्स में जो स्ट्रेंथ है, पेल्विक लिफ्ट जैसे कर रहे हैं, पहले लेग जैसी रहती थी और अब बिल्कुल आराम से पूरा पेल्विक लिफ्ट कर सकते हैं। दैट शोज़ कि पावर बहुत अच्छी है, एंड नाउ ही इज़ एबल टू स्क्वैट। ये जो हम प्रॉमिस करते हैं अपने पेशेंट्स को कि आप ज़मीन पर बैठ सकते हैं 3 महीने के बाद, बहुत ईजीली, बहुत स्मूथली, कोई पेन नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है। और ये जो स्माइल है, ये जो खुशी है जो आप देख सकते हैं, ये जो सेटिस्फैक्शन है, फैमिली को सेटिस्फैक्शन है, फैमिली को खुशी है, वो एक अलग चीज़ है। बट एज ए सर्जन हमें जो इसमें जो जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जो दुआएं मिलती हैं, उनका कोई जवाब नहीं है। और इसीलिए हमारी टीम और हम दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ताकि इन सब लोगों को हम वो खुशी दे सकें, वो उम्मीद, वो पर्पस दे सकें लाइफ में, जिसके लिए हमारे पास आते हैं।